मैं अपनी तकरीर आपको याद होगा जी, एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। पाकिस्तानी संसद में दो नेताओं के बीच जमकर हुई नोकझोंक। तुम्हें तो मैं बांध के आया था। मैं नहीं, नहीं प्लीज इस तरह के अल्फाज एक्सपंज कर दीजिए। तुम मारेगा आ जरा, मैं बताता हूँ प्लीज प्लीज। धारा 370 पर पाकिस्तानी सांसदों में जमकर हुई गाली गलौज। आप तशरीफ रखें प्लीज प्लीज तशरीफ। और दो टके गए और तुम्हें तो गले से तशरीफ रखें। जय जी और चलो शट अप। भारत ने जम्मू कश्मीर से संविधान की धारा 370 हटाया है, लेकिन आग पाकिस्तान में लगी हुई है। इस मामले को लेकर पाकिस्तानी संसद में मंत्रियों और सांसदों के बीच गाली गलौज और हाथापाई की नौबत तक आ रही है। ऐसा ही हुआ है जब पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री फवाद चौधरी और नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद आपस में भिड़ गए तो दूसरे सांसदों को उन्हें रोकना पड़ गया। दरअसल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के भारत के फैसले पर चर्चा के लिए तिलमिलाए पाकिस्तान ने संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया है। पाकिस्तानियों की बौखलाहट ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे तो एक दूसरे पर ही भड़ास निकाल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विपक्षी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के सीनेटर मुशाहिदुल्ला खान और वहां के विज्ञान और तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी आपस में ही गाली गलौज करते हुए भिड़ गए। इसके चलते संसद में काफी बवाल मचा। खबरों के मुताबिक ये लड़ाई तब तक शांत नहीं हुई जब तक नेशनल असेंबली के स्पीकर असद केसर और सीनेट के चेयरमैन सादिक सजरानी ने बीच में दखल देकर दोनों को अलग नहीं किया और दोनों की ओर से इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से हटाने का आदेश नहीं दिया। असल सारा फसाद तब हुआ जब विपक्षी सांसद ने मंत्री फवाद चौधरी को दब्बू कहकर बुलाना शुरू किया। इसी पर मंत्री नवाज की पार्टी के सांसद पर भड़क गए और गालियों की झड़ी लगा दी। इस पर सीनेटर मुशाहिदुल्ला खान कहते हुए सुने कि कोई इसकी जुबान बंद करेगा, इसे दूसरे को कैसे आदर देते हैं सीखने में वक्त लगेगा। जब फवाद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे तो खान ने उन पर झपटने की कोशिश की। वहीं जवाब में चौधरी भी अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की कोशिश की, मगर अन्य सांसदों ने दोनों को दूर किया और शांत करने की कोशिश की। आपको बता दें कि पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र में सभी दलों के सांसद भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। इसी संसद से खुद पाक पीएम इमरान खान तक भारत को जंग की धमकी दे चुके हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपनी जनता, आर्मी और आतंकवादियों को क्या समझाए, क्योंकि भारत ने एक ही झटके में उनके दशकों को एक टुकड़म को तार तार कर दिया। भारत के इस फैसले पर जब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया तो वहां के नेता अब एक दूसरे पर ही अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।